हेलो फ्रेंड्स, हॉगवर्ट्स गेमिंग में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोट लोबी लगाकर अपने डेली आरपी मिशंस या अचीवमेंट्स कैसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया, और घंटी भी दबा देना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो आए। तो दोस्तों, करना क्या है बोट लोबी लगाने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले देखिए, चलते हैं मैचेस की तरफ। तो सर्वर कोई सा भी लगा लें, कोई सा भी मैप लगा लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसमें आपने कम मैचेस खेले हैं आप वही सेलेक्ट करें। तो मैं करता हूँ केआरजीपी में सैनोक और सिंगल ड्यो और स्कैट कोई भी लगा सकते हैं आप। मैं लगाऊंगा एफपीपी ड्यो में, और ऑटो मैचिंग को रखूंगा मैं ऑफ, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि दूसरा बंदा नहीं आएगा जो आपको तंग नहीं करेगा। तो चलिए, मैच को करते हैं स्टार्ट, और ये थोड़ा सा लेगा टाइम शायद, तो मैं तब तक वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैच हो चुका है स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो यार बंदे हैं, बोट कहाँ पर है, बोट नहीं मिले। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसा सर्वर मिले जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बंदे स्पॉन आइलैंड में मिल जाएँ, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बोट लोबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और आप उसमें एंड तक बोट मिलेंगे। लास्ट आप चिकन डिनर भी करेंगे तो लास्ट बंदा भी वो बोट होगा। तो आपको जब भी ऐसा आइलैंड मिले तो आपको करना क्या है, मैच स्टार्ट होते ही आपको पानी में कूद कर या कैसे भी सबसे पहले मर जाना है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने थोड़ा सा वीडियो को कर दिया है फॉरवर्ड। तो जैसे ही जंप का ऑप्शन आया, मैं कूद गया हूँ वहाँ पर, और मैं पानी में जाकर उसमें डूबकर मैं मैच को फिनिश कर दूंगा। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके जो टायर के पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि पबजी वालों को लगेगा कि ये बंदा नूब है, इसको खेलना नहीं आता, ये अभी सीखने वाले लेवल पर है, तो वो हमें बोट देने शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों आपको रियल बंदे मिले तो आप सीधा जाकर ऐसे डूबकर मर जाएं, तो आपको जब पॉइंट कम होगा तो अगली बार आप मैच लगाएंगे तो आपको सभी बोट मिलेंगे। बोट मिलेंगे तो आपके पॉइंट इंक्रीज होंगे, उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, दो तीन मैचेस में फिर जाते ही मर जाना है। पॉइंट जैसे ही डिक्रीज होंगे तो आपको फिर से बोट लोबी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, इसका प्रूफ देता हूं आगे आपको। तो दोस्तों अगले मैच में देखो, मैंने एक फ्रेंड को ऐड कर लिया है वैसे ही, तो मेरा वही सर्वर है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो मैं आपको मैच स्टार्ट कर दिखाता हूं कि इस बार मुझे सभी की सभी बोट लोबी मिलेंगी। तो चलिए, मैं वीडियो को थोड़ा सा कर देता हूं फॉरवर्ड। तो देखिए, मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखिए एक भी बंदा नहीं है, एक भी बंदा नहीं है पूरे आइलैंड में। तो इसका मतलब ये है बोट। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर ऊपर टाइमिंग आ रही है, जब तक 30 सेकंड्स नहीं आते वहाँ यहाँ पर एक भी बंदा नहीं होगा। जैसे ही 30 सेकंड्स आएंगे तो यहाँ पर बोट्स आ जाएंगे, वो सभी के सभी बोट्स होंगे। अगर जो 30 सेकंड्स से पहले आ रहा है तो वो रियल बंदा है, अगर उसके बाद आ रहा है तो वो बोट है। देखिए दोस्तों, जैसे ही 30 सेकंड्स हुए आपको एकदम सामने से बोट दिखने शुरू हो गए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी मैच प्ले इसका। तो देखिए, मैं कट टू कट शॉट्स दिखाऊंगा कि लास्ट तक मुझे बॉट ही मिले हैं और कुछ नहीं मिला है। तो दोस्तों बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर रियल बंदे मिले तो आपको जाते ही मर जाना है, और आपको अपना टायर अवार्ड गोल्ड तक नहीं जाने देना है, गोल्ड से कम ही रखना है। अगर गोल्ड पर पहुंच जाओगे तो आपको बोट लोबी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप सिल्वर पर हैं तो दो तीन मैचेस लगाएं, मर जाएं, और फिर बोट लोबी आ जाएगी आपकी। तो ऐसे ही दोस्तों, आप इसमें कई मिशंस कर सकते हैं, डेली मिशंस कर सकते हैं, अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल हॉगवर्ट्स गेमिंग को सब्सक्राइब भी कर देना, और याद रखना साथ में घंटी भी दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन तक पहुंचती रहे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, पर आप ध्यान रखें कि पूरी वीडियो देख कर जाएं। और चलिए, मिलते हैं फिर।